नमस्कार साथियों, 5 मिनट नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी चीज की जानकारी देने जा रहे हैं जिसे लोग तलवार से भी ज़्यादा धारदार और ख़तरनाक मानते हैं। जी हाँ साथियों, मैं पेन की बात कर रहा हूँ। लेकिन हम इस वीडियो में एक स्पेशल और अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली पेन, बॉल पॉइंट पेन की बात करेंगे। चलिए रहस्य पर्दा हटाते हैं। बॉल पॉइंट पेन का सिद्धांत 19वीं शताब्दी के अंत तक दुनिया के सामने था। जैसे कि आपने देखा होगा, पेनों में एक ट्यूब होती है जिसमें इंक भरी जाती है और ट्यूब के निचले छोर पे एक सॉकेट वाला पार्ट लगा होता है और सॉकेट के एंड में बॉल लगी होती है। तो बॉल को कुछ ऐसा सॉकेट में फिट किया जाता है वो ज़्यादा लूज ना हो जिससे इंक पेज पे बिखर जाए, और ज़्यादा टाइट ना हो कि जिससे इंक पेन से बाहर ही ना आए। सॉकेट में बॉल आधा अंदर होती है और आधा बाहर होती है, तो इंक बॉल के अंदर वाले हिस्से पे लगता है और जैसे हम लिखना चालू करते हैं वैसे बॉल सॉकेट के अंदर मूव करती है और जो इंक बॉल पे लगा होता है वो पेज पे लग जाता है, और ऐसा प्रोसेस चलता रहता है जब तक हम लिखते हैं। और बॉल बहुत ही छोटा बनाया जाता है, करीब करीब 0.5 mm, और मटेरियल जो यूज़ होता है बॉल बनाने में वो स्टील, ब्रास और टंगस्टन कार्बाइड का होता है। फर्स्ट पेटेंट बॉल पॉइंट पेन का 30 अक्टूबर 1888 जॉन लाउट के नाम पे लागू हुआ, और ये लाउट की पेन पेपर के साथ साथ रफ सरफेस जैसे लकड़ी पे भी लिख सकती थी, लेकिन फाउंटेन पेन रफ सरफेस पे नहीं लिख सकती थी। लेकिन लाउट के बॉल पॉइंट पेन बनाने का प्रोसेस कमर्शियल लेवल पे लागू नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कभी पेन लीक हो जाती थी और कभी पेन लिख ही नहीं पाती थी। बॉल पॉइंट पेन के इतिहास में एक क्रांति आई जब लास्लो बीरो, जो कि हंगरियन के न्यूज़पेपर के एडिटर थे, वो फाउंटेन पेन में बार बार इंक भरते भरते परेशान हो गए और इस परेशानी का हल ढूंढने के लिए निकल गए। उन्होंने देखा जो इंक वो न्यूज़पेपर में प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते थे वो बहुत जल्दी सूख जाती थी, तो उन्होंने उसी तरह की इंक बॉल पॉइंट में इस्तेमाल करने का सोचा। उन्होंने अपनी भाई जॉर्गी की हेल्प ली, जिन्हें केमिस्ट्री की अच्छी नॉलेज थी, और बॉल सॉकेट और इंक की विस्कोसिटी का ऐसा बैलेंस बनाया कि उस टाइम की सबसे बेहतरीन बॉल पॉइंट की पेन बन गई। बीरो अपने इस बॉल पॉइंट का पेटेंट भी करवाया, और वो पेटेंट उन्होंने 15 जून 1938 ब्रिटिश पेटेंट ऑफिस में करवाया। बीरो और उनके दोस्त मेनी ने बीरो पेन्स ऑफ अर्जेंटीना नाम की कंपनी खोली और पेन का नाम बीरो में रख दिया, जो दोनों का नाम से मिलके बना है, और इस तरह बॉल पॉइंट पेन को कमर्शियल लेवल पे बेचने की शुरुआत हुई। चलिए देख लेते हैं जो इंक यूज़ होता है बॉल पॉइंट पेन में उसकी खासियत क्या है। जो इंक यूज़ होता है बॉल पॉइंट पेन में वो मिक्सचर होता है डाई, सॉल्वेंट और ऑयल का, जिसमें डाई 25-40% होती है और सॉल्वेंट जैसे कि बेंजाइल अल्कोहल और फिनोऑक्सी इथेनॉल का यूज़ होता है। ऑयल का यूज़ इसलिए करते हैं कि जो ऑयल होता है वो बॉल को लुब्रिकेट करता है, जिससे बॉल सॉकेट के अंदर आसानी से मूव कर पाता है। इंक जितना गाढ़ा होगा उतना जल्दी सूखे, लेकिन लिखने में और प्रेशर लगाना पड़ेगा। जो आइडियल इंक होती है उसमें हर चीज़ बैलेंस होती है, जो जैसे कि इंक जल्दी सूख जाए और पेन स्मूथ लिखने में हो। चलिए बॉल पॉइंट पेन रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। फैक्ट नंबर एक, बॉल पॉइंट पेन का दूसरा नाम बीरो भी है, जो कि फर्स्ट सक्सेसफुल बॉल पॉइंट के मेकर के नाम पे रखा गया है। फैक्ट नंबर दो, बिग क्रिस्टल वर्ल्ड मोस्ट फेमस पेन की कंपनी जो 1950 में चालू हुई थी, उस कंपनी ने 2006 तक 100 बिलियन पेन तक बेच दिए थे, और एक कैलकुलेशन करके देखा जाए तो उन्होंने यह पता चलता है उन्होंने 57 सेकेंड में एक पेन बेची है। फैक्ट नंबर तीन, एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2017 में 80% बॉल पॉइंट पेन चाइना में बनी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देख के आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी 5 मिनट नॉलेज में। धन्यवाद।